सवाई माधोपुर राजस्थान के प्रमुख शहरों में से एक है, जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित विंध्य और अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, जो अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण यह इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्भुत और स्वर्ग के समान माना जाता है। फ्रेंड, इस शहर का निर्माण 18वीं शताब्दी में जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने इस शहर की स्थापना की थी और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम सवाई माधोपुर रखा गया। फ्रेंड, यह शहर मुख्य रूप से रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जो बाघों का एक संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ प्रकृति के साथ इतिहास की भी कई कड़ियाँ हैं। यहाँ स्थित महल, तालाब और किले ऐतिहासिक धरोहर माने जाते हैं। फ्रेंड, यह स्थान केवल राष्ट्रीय उद्यान के लिए ही नहीं बल्कि अपने मंदिरों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में हर मंदिर के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई है। यहाँ सुप्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जिसका मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। फ्रेंड, वास्तुशिल्प से सजे ये मंदिर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। दोस्तों, ये शहर लगभग 10,527 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि भरतपुर मंडल के अंतर्गत आता है। फ्रेंड, इस शहर का अब तक दो बार विभाजन किया जा चुका है। पहली बार 1992 में इससे स्वतंत्र दौसा जिला बनाया गया तथा दूसरा विभाजन वर्ष 1997 में करौली जिले को बनाया गया। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सवाई माधोपुर की जनसंख्या 13 लाख के लगभग है, जिनमें हिंदुओं की जनसंख्या 74.71% है और मुस्लिमों की जनसंख्या 20.11% है। जैन धर्म 4.38%, ईसाई धर्म 0.21% और सिख 0.39% रहते हैं। फ्रेंड, यहाँ प्रतिवर्ष 19 जनवरी को इस शहर का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें कई सारे उत्सव आयोजित होते हैं। फ्रेंड, इस शहर में किए जाने वाले नृत्यों में घूमर नृत्य, सवाई माधोपुर नृत्य और कालबेलिया नृत्य शामिल है। फ्रेंड, यह शहर अपने स्वादिष्ट अमरूद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के अमरूद अपने स्वाद और गुणवत्ता के कारण पूरे देश में काफी मशहूर है। फ्रेंड, इस शहर से किसी भी प्रमुख नदी का उद्गम नहीं होता है, परंतु यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, बनास, मोरेल तथा सीप नदी प्रमुख है, जिसमें रामेश्वरम घाट, चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम स्थल है। दोस्तों, इस शहर की अर्थव्यवस्था कृषि और छोटे व्यवसाय पर निर्भर है। फ्रेंड, यह शहर कई सारी तहसीलों में बटा हुआ है, जैसे गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा, बौली, मलारना डूंगर, वजीरपुर, बामनवास और खंडार है, जिसमें गंगापुर सिटी इस जिले का सबसे बड़ा शहर और उपकेंद्र है। फ्रेंड, यह शहर समुद्र तल से 458 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह शहर जयपुर से 162 किलोमीटर दूर और दिल्ली से 375 किलोमीटर दूर दक्षिण की तरफ है। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, तो इस शहर में कई सारे खूबसूरत व दर्शनीय पर्यटन स्थल मौजूद है, जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। जैसे रणथंभौर किला, यह एक शाही किला है जो कि 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और यह किला राजस्थान में उन लोगों के लिए एक खास पर्यटन स्थल है जो रॉयल जीवन को देखना चाहते हैं। यूनेस्को द्वारा रणथंभौर किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है क्योंकि यह एक पहाड़ी किला है। यह किला राजस्थान का एक बहुत ही अद्भुत और शानदार किला है। रणथंभौर नेशनल पार्क, यह नेशनल पार्क अरावली और विंध्य पहाड़ियों पर बसा हुआ है, जो अपने वनस्पतियों, जीवों और बाघों के लिए जाना जाता है। यह 392 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में कई विदेशी प्रजातियों के लिए एक प्राकृतिक आवास की जगह भी है। यह नेशनल पार्क राजस्थान राज्य के सबसे अच्छे बाघ अभयारण्यों में से एक है, जो कि फ्रेंडली बाघों के लिए जाना जाता है। वन्य जीवन को करीब से देखने के लिए यहाँ वन विभाग द्वारा सफारी की भी व्यवस्था है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 खूबसूरत झीले भी मौजूद है। चौथ माता मंदिर, प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों के अलावा आप यहाँ प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। आप यहाँ के चौथ मंदिर के दर्शन के लिए जा सकते हैं। मुख्य शहर से 45 किमी की दूरी पर स्थित यह एक पौराणिक मंदिर है, जो हिंदू आस्था के मुख्य केंद्रों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भारी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चौथ माता के अलावा मंदिर में भगवान गणेश और भगवान भैरव की आकर्षक मूर्तियां भी स्थापित हैं। दोस्तों, इनके अलावा भी जैसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर, श्री घुश्मेश्वर मंदिर, सुनहरी कोठी, जामा मस्जिद, खंडार किला, हाथी भाटा, कैला देवी मंदिर, श्री महावीर जी मंदिर आदि कई सारे दर्शनीय व खूबसूरत टूरिस्ट पैलेस मौजूद है।
पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।